मम्मी जी ने देख लिया ना, बड़ा डांटेंगे। भूख लगी है। अच्छा ठीक है, लवली एक काम कर, गहना भाभी को कह दे कि इन लोगों के लिए ना खाना लगवा दे, तब तक मैं ना इनके कपड़े हुन बदलवा के आई, है ना। चलो 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 बच्चा पट्टी, जल्दी 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 चलो। ओए होए लवली, तुमने तो खाना लगा भी दिया। भाई वाह, वो गहना भाभी रख गई थी, सबको मैंने सर्व कर दिया। अच्छा मैं क्या कह रही थी, अब खाना लगा भी दिया है तो खिला भी दो ना, मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ ठीक, बच्चे लोग चाची को बिल्कुल भी तंग मत करना, ठीक है ना। अब चुपचाप से अपना खाना खत्म करो और कोई बदमाशी नहीं। हाँ करेला कितना बेकार है। मैं तो निमिता जी को बताने वाली थी कि हमको स्कूटी से स्कूल छोड़ा गया था, पर मैंने नहीं बताया। मैं लेकिन बोल दूंगा दादी को, मैं बोलूंगा। हम सब मिलकर बोलेंगे। देखो प्लीज किसी से कुछ भी मत कहना, मैं तो सबको चॉकलेट्स लाके दूंगी। मैंने खाता चॉकलेट। तो फिर क्या खाते हो? करेला। करेला? चाची आपके करेले की सब्जी खा जाओ, हमें नहीं अच्छी लगती। हाँ चाची, ये तो मम्मी हमें जबरदस्ती खिलाएंगे। मैं ठीक है लाओ। चाची खा लिया ना? खा रही हूँ, तुम भी खाना खाओ चलो। अच्छा अब तो किसी से कुछ भी नहीं कहोगे ना? आपको एक और काम करना पड़ेगा। अब क्या? चाची हमें एक बार फिर से कुर्ती पे घुमाओ ना। पक्का प्रॉमिस, लेकिन एक शर्त पे, तुम लोग किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। पक्का? नहीं प्रॉमिस। भोला रे लवली, हो अरे वाह, मेरे बच्चों ने करेला खा लिया आज, और वो भी लवली चाची की वजह से। वाह लवली, आज तो तुमने मेरे बच्चों को करेला खाना भी सिखा दिया। भाई वेरी गुड है जी। अच्छा अब तुम लोग ने खाना खत्म कर लिया ना, अब चलो जल्दी से अपने अपने रूम में जाके सो जाओ, ठीक है। फिर शाम को उठ के हम सब लोग होमवर्क करेंगे। बाजी, आपने सबको यहाँ क्यों बुलवाया? अरे थोड़ी सबर करना, कार्तिक को आ जाने दे फिर बताएंगे। शिबू बेटा जी, तूने ये दाढ़ी क्यों नहीं बनाई रे? कल से देख रहा हूँ मैं। बाऊजी वो दरअसल मैंने किसी को बताया नहीं बाऊजी, मैंने गुरुदेव बाबा से सिमरन के लिए मन्नत मांगी है। बाजी वाह, लो कार्तिक भी आ गए। क्या हुआ आदि भैया, आपने मैसेज किया था कि सीधा दुकान पे आ जाना। पापा लवली ने फिर कुछ किया क्या? अरे कार्तिक, तूने तो लवली को हवा बना दिया। क्या सोचता है, घर में जो भी गड़बड़ होती है उसी की वजह से होती है। अरे ना ना ना,
ये तो बस घर के पुरुषों की एक बैठक है। ओ वाजी वाह, ओ जी मर्दों की बैठक। हाँ। तुम सब लोग तो जानते हो कि भाई कल करवा चौथ है और इसे हमें वैसे ही निभाना है जैसे हमारे परिवार की परंपरा। इस बार करवा चौथ के मैदान में दो नई खिलाड़ी हैं, एक रिया बहू और एक लवली बहू, और ये मीटिंग हमने विशेष तौर से आदि और कार्तिक के लिए बुलाई ताकि इन्हें समझा सकें कि कल के दिन हमारे घर के मर्दों की क्या परंपरा है, क्या क्या काम करने हैं उन्हें। और जी कल तो बड़ा ही मजा आएगा, वो क्या कहते हैं तरह तरह की मिठाइयां जो खाने को मिलेंगी, है ना। उत्कर्ष बेटा, तुम्हें तो विवाह को इतने बरस हो गए हैं, अब तुम ही आगे बता दो। अरे बाबूजी मैं कहां। अरे पता पता। अच्छा देखो भाइयों, बात ऐसी है कि कल करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन घर की सारी औरतें निर्जला उपवास रखती हैं। मतलब ना वो कुछ खाएंगी और ना वो कुछ पिएंगी, वो पूरा दिन आराम करेंगी और घर के सारे काम की जिम्मेदारी हम मर्दों पर होंगी, औरतें सिर्फ आराम करेंगी। क्या हमारे पीहर से इस बार बहना आएगा? बड़ी भाभी मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ भाभी मुझे भी कुछ दो ना करने के लिए। हाँ रिया ये मिठाई खोलो और सूची के साथ मेल करो। लवली तुम रिया की मदद कर दो। ओ सूची। अब बड़ी भाभी ये करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व होता है? हाँ भाभी प्लीज बताओ ना, हमारी तो पहली करवा चौथ है। हाँ ये उपवास सभी सुहागने अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखते हैं और चौथ का चांद निकलने से पहले एक बूंद पानी नहीं पीते। हम जो कह रहे हैं वो तुम सुन रही हो ना? हाँ भाभी। अच्छा वो तुम विशेष कौशिक करवा चौथ के बारे में अभी कह रही थी ना, तो उसे इस घर में बहु दिवस भी कहा जाता है, यानी कि कोई भी बहू इस घर में कोई काम नहीं करेगी, काम से छुट्टी और सारे काम मर्द करेंगे। वाओ बाजी, प्लीज आप बताइए ना कि हमारे कौशिक परिवार में ये परंपरा कैसे शुरू हुई? हाँ पापा प्लीज बताइए ना। बेटा इस परंपरा के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हुआ यूं कि जब हम तुम्हारी मासा को ब्याह करके घर में लाए ना और पहला करवा चौथ पड़ा तो हमने देखा कि पूरे दिन तुम्हारी मासा उपास रखे हुए हैं, भूखी प्यासी हैं और घर का सारा काम भी कर रही हैं, और हमारे कान में ये भी सुनाई दिया कि करवा चौथ का ये व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती। मन में ये सोच सोच कर बड़ी ग्लानि हुई। उस दिन से हमने विचार कर लिया कि तुम्हारी मासा करवा चौथ के दिन केवल उपास रखेंगी, पूजा पाठ करेंगी, सजेंगी धजेंगी और आराम करेंगी और घर का सारा काम हम करेंगे, और उस दिन से ऐसे ही होता चला आ रहा है। अजी ये सही है बाबूजी। हाँ उसके बाद जब उत्कर्ष का विवाह हुआ तब तक ये हमारे घर की परंपरा बन चुकी थी और तभी से उत्कर्ष, शिवेंदु और बिट्टू इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। और अब तुम दोनों की बारी है। बाबूजी मैं भी अपनी तरफ से इसमें कुछ और जोड़ दूं तो? क्या वो
मैं भी रिया के लिए ये उपवास रखना चाहता हूँ। अरे वाह। पापा मैं भी लवली के लिए उपवास रखना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, ये तो सोने पे सुहागा है। तो भाई ठीक है, तुम दोनों भी कल काम नहीं करना, केवल सजना धजना और आराम करना, है ना? जी पापा। अरे तेरा मुंह क्यों लटक गया? तुझसे किसने कहा कि तू भूखा रहे? जी देखो ना, मेरे दोनों छोटे भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों के लिए उपवास रखा है, और मुझे देखो, मेरे को हमेशा खाने की पड़ी है, मिठाइयों के बारे में सोच रहा हूँ। और जी मुझे अपनी निम्मी देवी की ना बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। तो बेटा ऐसा कर, तू भी निम्मी बहू के लिए उपवास रख ले। हाँ बिट्टू भैया, आप भी उपवास रख लो। हाँ बिट्टू भैया, व्हाई नॉट। पर बाबूजी मैं कैसे? जी सच्ची बताऊँ ना, मन तो बड़ा है मेरा, पर उपवास का नाम सुनते ना मेरे पेट में ना गुड़गुड़ होना शुरू हो गया। हाँ। अरे बिट्टू भैया, बाबूजी मजाक कर रहे हैं, शांत हो जाइए। अच्छा। हाँ भाई, तुम लोग समझ गए, अब कल अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेना। वाजी वाह। और जी ये कौशिक परिवार की पांच बहुओं का करवा चौथी नहीं है, बल्कि पांच बेटों का भी है। हाँ। और बाप की? हाँ जी हाँ। बाबू सारे ये नियम पहले से करते आए हैं, और मासा आने के बाद इसे उन्होंने बहु दिवस का नाम दे दिया, और बेटों को सख्त कहा है कि इसका पालन किया जाए। काश ये दिन साल में एक दो बार और आ जाता, काम नहीं करना पड़ता फिर। अच्छा, फिर सारे साल तुम्हें भूखा भी रहना पड़ता। वैसे कुछ भी कहो, मासा ने ये नियम बनाया बहुत अच्छा है। लवली, गुड मॉर्निंग लवली। गुड मॉर्निंग। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बैटी लेके आया हूँ, मैंने खुद बनाई है। थैंक्स। अच्छी है। हम्म। अब तुम चाय पियो, तब तक मैं कमरा साफ कर देता हूँ। ओके। वहां पे भी गंदा है। हाँ हमारा बाना आया हो। टंटरान, बड़ी भाभी ये हम मेरे घर से ना बाना आया है। भाभी ये कपड़े वगैरह ये सब कुछ आज के दिन ही आते हैं क्या? ओए हाँ, अब कल सवेरे ये सारा सामान थाल में रखना पड़ता है ना, इसलिए। लवली, तुमने अपनी मासा से कह दिया ना कि बायना आज ही भेजना है? अब हाँ बताया। पता नहीं मॉम सब कुछ आज ही भेजेंगी या हाँ ये सब। अरे मैं देखती हूँ कौन है। हेलो डैड, कहाँ पे हैं? जी सर तो अंदर जरूरी मीटिंग में है। हेलो हेलो हेलो, हे भगवान, अगर टाइम पे बायना नहीं पहुंचा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी आपके घर से बायना आया है। बड़ी भाभी आपके घर से। हमारे घर से? हमने आशा भी नहीं की थी कि हमारे घर से बायना आएगा। सच मन हल्का हो गया। बड़ी भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही थी?
तुमसे ये उम्मीद ना थी गहना, तुम पे भरोसा करके तो हमारी नाक कट गई। अरे जब शादी की बात पक्की हो गई, शगुन हो गया, उसके बाद भी रिश्ता तोड़ दिया इसने। पुष्पा की माँ, इन्होंने पुष्पा के हाथ पे जो शगुन धरा था वो अभी इन्हें वापस लौटा था। मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी। बापरे, तुम नहीं चाहती कि हमारी की ये दूरी खत्म हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं। बायना रख कर आते हैं। मेरा तो बायना आया नहीं, मैं जाकर अपने अंकल को फोन करके पूछती हूँ, मॉम ने लंदन से भेजा होगा। बच्चे अब बच्चे क्या कर रहे होंगे, मैं देख के आती हूँ। हाँ इस घर में आए हुए मुझे कितने दिन हो गए हैं, लेकिन आई एम श्योर मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है इस घर में, मैं पता लगा के ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे मॉम को फोन करना है कि बायना कब भिजवा रही है। मॉम फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है, जब भी मुझे मॉम की जरूरत होती है पता नहीं वो कहाँ चली जाती है, मैं क्या करूँ। लवली इस समय सो रही है? लवली सोने दो ना, इस घर में कोई शांति से सोने भी नहीं देता। लवली लवली इसलिए सोने नहीं दे रहा हूँ क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं, ये भी कोई सोने का वक्त है। कितना सोती हो तुम? अरे नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है कल क्या है? कल करवा चौथ है। करवा चौथ को लेकर घर में सब लोग कितने एक्साइटेड हैं। और पापा ने तो कौशिक स्पेशल करवा चौथ के लिए एक मीटिंग भी बुलाई थी। कल तो मेरे लिए निर्जल व्रत रखोगे, अगर तुम मेरी लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रह सकती हो तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं। मतलब कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। मुझसे एक वादा करो लवली, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी। बापरे, तुम नहीं चाहती कि हमारे बीच की ये दूरी खत्म हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। शर्ली, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? क्यों? तुम्हें कोई डाउट था? लवली देखना, हमारा ये पहला करवा चौथ हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझसे एक वादा करो लवली कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी। बापरे, क्यों लवली? तुम नहीं चाहती कि हमारे बीच की ये दूरी खत्म हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं।
जवाब दो लवली। ये कार्तिक तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी और झूठ नहीं बोलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लवली प्रॉमिस करके कहीं तो फंस तो नहीं गई ना? कौशिक की पांच बहू।